बाबा तुमको एक मेरी की रिक्वेस्ट है, मैं एक भूत हूँ, एक रिक्वेस्ट है, ये भाग्यश्री ताई है ना, कीड़ा मकोड़ा भी आएगा ना उसके ऊपर पैर नहीं रखती है, बोलती है भगवान का है, मेरे को पाप लगेगा। तो इसका माँ को ऐसा, मैं नहीं बोलता गलत मत करो, कुछ तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए ना। भोगेगा जो गलत करता है उसको भोगना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, जो गलत करेगा उसे इसी पृथ्वी पे भोगना है, चाहे वो कोई भी हो। बाबा इसके ऊपर तुम कितने साल से हो? चक्रवर्ती कितनी वर्षा नहीं आये तू? मैं हिंदी येते का तुला? येते नहीं, हिंदी पण येते, मराठी येते। बोल बाबा जी विचारतात, बोल। बाबा जी आपको पूछ रहा है तू कितने साल से है, बता बाबा जी को। मैं 20 साल से हूँ। इसको क्या बनाया, बहन बीबी लड़की? इसको मैंने ना इसको बहन बनाया, दोस्त बनाया, बीबी बनाया। अब ये मार खाने वाली बात है, बहन भी बना सकते हो, बीबी भी बना सकते हो, है ना? ये गलत है ना। अगर ये कोई और होता तो मैं एक थप्पड़ मार देता, मगर थप्पड़ नहीं मारूंगा कि ये पुलिस स्टेशन चला जाएगा कि मेरी बीबी को एक थप्पड़ मार दिया। बाबा जी ऐसा कर सकते हो ना तुम? नहीं है? नहीं है? नहीं भाई, अब जैसे ये बोला तो ये गुस्से की बात है ना भाई, या तो तुम बहन बनाओगे या तो बीबी बनाओगे। नहीं, 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 नहीं। मैंने ज्यादा करके ना उसको बीबी बना के रखा दी। तो बहन को बदनाम क्यों कर रहे हो? बहन के साथ तुम अत्मा जीव, जब जिंदा थे तो ऐसा करते थे क्या बहन के साथ? नहीं 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 नहीं, इसलिए हम कोई भी पेशेंट लेडीज को नहीं मारते हैं। भाई ये पुलिस स्टेशन चला जाए कि मेरी बीबी को बाबा जी ने थप्पड़ मार दिया, और मैं थप्पड़ किसको मारता हूँ बता दो आप ही लोग, भूत प्रेत को। हमें किसी की बीबी से, किसी के बहन से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हम नहीं मारते हैं। इसको तकलीफ क्या क्या पहुंचाया? इसको तकलीफ मैंने सिर में और आंखों में, और अपना जबड़ा है ना मुंह में, जबड़ा और अपना हाथ है ना हाथ, पैर में, पेट में, कमर में, सब शरीर में तकलीफ पहुंचाई मैंने, उसको सुकून नहीं दिया मैंने। कैसे तुम मर गए थे? मेरे को ना जहर दिया था। कौन? मेरे ना माँ बाप ने। क्यों? क्योंकि ना मैं बाहर का ऐसा गंदा काम करता था ना, इसके वजह से। क्या गंदा काम करते थे? मैं दूसरा औरत के साथ ना ऐसा गंदा काम करता था। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है शंकर है। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम था? मेरा पिताजी का नाम शंकर महादेव। कहाँ पे रहते थे हम ना? हम नहीं पता नहीं। गांव का नाम? गांव का नाम भी पता नहीं मेरे को। शादी हो गया था तुम्हारा? नहीं हुआ था ना, इसलिए। काम क्या करते थे? कुछ भी नहीं। मतलब मराठी हो कि हिंदी हो? मैं सब भाषा बोलता हूँ। नहीं नहीं, तुम रहने मतलब असली क्या भाषा क्या तुम्हारा? मेरे असली भाषा अग्री है। अग्री मतलब मराठी में एक आता है कोली, कोली अग्री, अग्री कोली, जो मच्छी मारने वाले रहते हैं। अच्छा अच्छा, मच्छी मारते हैं। हाँ हाँ हाँ। और मेरा मेरा ये धर्म है ना, मेरा धर्म वडारी है, वडारी अग्री वडारी है। सुअर का पालते ना? अच्छा अच्छा, बहरहाल। हाँ, नाम नहीं। हाँ, हाँ, मैं वो ही हूँ। तो तोतला के तुम जब जीवित थे जब बोलते थे, या ये औरत बोलती है तोतला के? ये तोतला की, ये औरत को मैंने किया है। अच्छा, ये तुमने इसको किया है? हाँ, इसको तो अभी तुम्हारे साथ बात किया, देखो तुम बोला ना इसको, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये तोतला मैंने ही बनाया है। इसको तुमने बनाया है? हाँ, पेटी खोलो। हाँ, तुम कुछ पढ़े लिखे हो? जी नहीं। पढ़े लिखे नहीं हो? नहीं। मगर ये औरत पढ़ी लिखी है? हाँ। इसको सिर्फ साइंस। अरे भाई बता तो रहा हूँ, आपने हमें बताया नहीं, आपकी बीबी है, ये आपकी बहन है, हम तो बता ही रहे हैं कि इसको साइन करने आता है, मगर उसको नहीं आता है। हाँ। उसको भी आता है तो मैं साइन करवाता है, जैसा वीडियो में देखा है। कैसे यहाँ आ गए? वीडियो देखे? कितने दिन वीडियो देखा? मैं कम से कम 50 वीडियो देखा, क्योंकि पैसा भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, इसके लिए मैं आया नहीं पाया। मैं जब मैं 2-3 वीडियो देखा तभी आने का मन किया। इसका घर मैंने बर्बाद किया है। इसके बच्चे कितने बर्बाद किया? आप काम की बात करते हैं। इसके बच्चे कितने बर्बाद किया? मेरे बच्चे? इसके इसके मेरे मेरा एक ही लड़का है, उसका भी मैंने ना खून निकला है, जो लेटरिन करता है ना उसमें से खून निकलाया है। और तो वो लड़का किसका है, तेरा है कि इसके पति का है? मेरा आदमी एक है, इसका है, इसका मेरा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है, इसका है। हाँ, इसका है। हाँ,
उसको क्या दिक्कत दिया बच्चे को? उसको लेटरिन में ना खून दिया और दिमाग उसका काम नहीं करने का बंद कर दिया। वो लड़का बहुत होशियार है स्कूल में। अच्छा हाँ, उसका दिमाग हाफ कर दिया। हाफ कर दिया मैंने। कपड़ा क्या पहने हो तुम? मैं काला शर्ट पहना हूँ। मरे थे तो दिन था कि रात था? वो रात था। कैसा जहर दिया? जहर है ना, मेरे को दारू में पिला के दिया। कौन? मेरी माँ बाप ने, दोनों मिलके। हाँ, इतना परेशान करते थे माँ बाप को? हाँ, क्योंकि मेरे को औरत का सुख चाहिए ना, इसलिए तो इसको भी, इसका भी सुख चाहिए मेरे को, इसलिए मैं रात दिन इसके साथ ही सोता था। ये काम पे जाता था, लड़का कॉलेज जाता था, हम दोनों एंजॉय करते थे, मजा करते थे। और इसका भी ना, इसमें इसका छाती, पेट, इसका बाल, लेटरिन में खून, इसका दिमाग कुछ नहीं काम कर, इसको मैं, इसको अच्छा रखा मगर इसको पूरा पागल कर दिया। अभी ये भूतों की देन है, ये कुछ हाँ, भी करवा सकते हैं। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद बोल रहा है। हाँ बराबर है। और इसके पास ना पैसा भी नहीं है, इसका मंगलसूत्र गिरवी रखा, घर भी बेचने के लिए आया, रोड के ऊपर मैंने लाया इसको। क्या मिला तुझे? कुछ नहीं मिला। तो ऐसा क्यों करते हो तुम? मैं क्यों, मेरे को भेजा है ना। कौन भेजा? इसकी माँ ने, इसके माँ ने भेजे। सगी माँ है या इसकी सगी माँ? और चकनी है ना, ऐसे ऐसे जगह में चकनी, उसके माँ ने भेजी है। क्या दुश्मनी थी इससे? क्या दुश्मनी है बताओ? क्या ये 20 साल होगा ना शादी को हमारे, 20 साल ना, जब मैं शादी करके आई थी ना इसके घर में, तभी मैं बीमार गिर गई थी, इतना बीमार गिर गई थी कि मैं होश में नहीं थी, मेरे शादी कैसा हो गया करके। कौन होश में नहीं था? मैं कौन? मेरा ये भाग्यश्री, भाग्यश्री। अच्छा ये हाँ, हाँ, ये औरत, हाँ, भाग्यश्री। हाँ, मेरा नाम भाग्यश्री। तू मैं आदमी नहीं कह सकता, ये औरत कह सकता है। हाँ, ये औरत तू नहीं कह सकता। हाँ, अरे मेरा भाषा है ऐसा हर। होश में आ जाने तो लपड़ मारूंगा, तेरा भाषा समझ में आ जाएगा तुझे। और सुनो बाबा जी, और ना इसकी माँ ना मेरे को खिला के भेजी है। किस चीज में खिलाया इसको? इसका ना अपना रोटी, चपाती, चपाती। इसका टोकन दिखाओ, इसमें क्या लिखा हुआ है? खाना लिखा है। खाना? और मैं सच बोल रहा हूँ। दिखा दो, पंडित जो चेक किया है वो बोला है खाना निकलेगा, रोटी में करके खिलाया, ये भूत खुद बता रहा है। कितने साल पहले इसको करके खिलाया? एक बार मेरे को खिलाया था मगर वो सादा वाला खिलाया था। कितने साल पहले? ये मेरे को 6 साल हो गया, 6 साल ना, ये रोटी ना, ये रोटी अभी खिलाई, 3 साल हो गया। 3 साल से हाँ, रोटी अंदर है, पेट के अंदर है। हाँ, ये जड़ी बूटी अंदर जाएगी। हाँ, वो बाहर आ जाएगी। दो रास्ता है आने का। हाँ, उल्टी से या लैटरिंग से। लैटरिंग से बदबू हाँ, बहुत करेगा, उसमें देख सकते हो तो उसमें भी देख लेना, इस जड़ी के अंदर रोटी या चावल या पनीर नहीं भर के रखा हुआ है, ठीक है? और क्या किया पता है क्या? इसके माने ना भगवान को गई थी, इसके आंख में ना भगवान आया था, भगवान इसका घर का देवी, देवी बोलते हैं ना, कुल देवत, वो आया था। और उसका माँ ने क्या किया पता है क्या? मेरा आवाज थोड़ा ऊंचा है मगर बोलता है, मेरे को भी गुस्सा है उसका माँ के ऊपर, क्योंकि ये लोग ना बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। हाँ, ये लोग, इसका आदमी, इसका औरत, इसका माँ, तो माँ का घर के तो इतना अच्छा है ना, इसको बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, और ये बात मैं सच बोल रहा हूँ। इसकी माँ के ऊपर देवी कौन सा है? ये मुकुलता है। ये कौन है? मेरा कुल देवता घर का, इनका घर का कुल देवता हूँ। ये कौन है? 7 बच्चे की माँ बोलते हैं उसको कन्नड़ में, यार मुकुलता। हमारे कन्नड़ में यार मुकुलता बोलते। तो कौन है, देवी, देवता, भगवान? मैं अभी भूत बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, वो कौन आया था? देवी, देवता, देवी, देवी, देवी आई थी। देवी कौन सी देवी? वो अभी मेरे को भी इसका देवी का जानकारी नहीं, कभी इसके माँ ने बताया नहीं मेरे को। अगर देवी आई थी हाँ, तो देवी आई होती हाँ, तो उनको मार के एक सेकंड में गायब कर देती। नहीं नहीं, आई थी देवी, इसका भला भी किया, घर दिए, घर दिलवाया उसको, कितना मस्त अच्छा हो गई थी इसका तबियत सब। सुकिता पूछा उसको, इसका पूछा ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप अपने भाषा में थोड़ा बहुत बातचीत कर लो, काम जो भी कर लो तो ना? अरे मग मला तू सांग, सगळं चांगलं केलं हाँ, फिर भी तूने फिर ये लोग फिर ऐसे रस्ते पे क्यों लाया? अरे इसका माँ ने भेजा है मेरे को हाँ? इसके माँ ने भेजा है तो मैं क्यों, मैं भूत हूँ, मैं जिधर बोलेगा उधर ही जाएगा ना भाई, मेरे को भी लापा पड़ता है, मार पड़ता है मेरे को भी। करती है या करवाई है? करवाए, करवाई, किसी से करवाई। पैसा दे के करवाई? नहीं बोलेगा तो 50-60 हज़ार रुपए दिए है। सुन रहे हो, मैं वीडियो में बोलता रहता हूँ, करवाने वाले जहन्नमी जो भी हो, और करवाने में 50-60 हज़ार, और खत्म करवाने में कितना? लगभग 7-8 हज़ार। तो कई बार करवाएगी इसकी माँ या उसका बाप या उसका देहात, कई बार करवाएगा?
एक बार दो बार तीन बार उसके बाद वो ठीक रहेगा तो खुद ही बैठ जाएगा ना, चुपचाप से बैठ जाएगा। नहीं उगर माँ, इसकी माँ पैसे वाली है, इसकी माँ पैसे वाली है और बिल्डर का पैसा आता है ना, इसलिए उसको चर्बी चढ़ी है उसको। ठीक है चलो, हाँ। उसकी माँ को चर्बी चढ़ी होगी, हाँ। लेकिन बराबर तुझे तकलीफ देके क्या मिल रहा है इसको? अरे बोल रहा हूँ, भूत बोल रहे, बोल रहे तो तू अगला पगला जैसे बात मत कर, भूत मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भूत बोल रहा हूँ, सही चाहिए ना जानकारी। और इसका माना ढूंढते ढूंढते मेरा खबर लेने के लिए आया था उस दिन, आया था क्या? नहीं, इसने मेरे को बताया, उसका माना खबर लेने के लिए आया था, मेरा खबर लेने के लिए आया था, ये अच्छी हुई क्या बुरी हुई। और इसका माँ का नाम लेता था ना, मेरा गुस्सा इतना लाल भड़क होता था कि नहीं पूछो। तुम्हारी माँ का? बाबा तुमको एक मेरी की रिक्वेस्ट है, मैं एक भूत हूँ, एक रिक्वेस्ट है, ये भाग्यश्री ताई है ना, कीड़ा मकोड़ा भी आएगा ना उसके ऊपर पैर नहीं रखती है, बोलती है भगवान का है, मेरे को पाप लगेगा। तो इसका माँ को ऐसा, मैं नहीं बोलता गलत मत करो, कुछ तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए ना। भोगेगा जो गलत करता है उसको भोगना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, जो गलत करेगा उसे इसी पृथ्वी पे भोगना है, चाहे वो कोई भी हो। बाबा तुमको बोलो, मैं नहीं आना चाहता था, मगर ना मेरे को ना ओम बरसा ऐसा किया, ओम बरसा फिर ऐसा किया मेरे को। सुन शंकर, सुन मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अभी बाबा जी को बोल दिया कि तुझे जहर डाल के मार दिया करके, हम ले तुझे गांव लेके गया था। अरे वो सुन, वो सब पैसे खाने वाले बाबे थे, वो सब उसका पावर था क्या? सुन वो कुछ भी खाने दे, लेकिन तूने हमसे क्या कहा था कि तुझे बैल ने मारा करके और तुझे घर में दफना दिया? अरे उस दिन इसको सच बोला ना, तेरी माँ ने किया है, और नंदू बाबा किधर बोला ना, क्या तेरी माँ का नाम नहीं लिया क्या मैंने? लिया, लेकिन तू एक बार भी सच नहीं बोल रहे, कभी वो बोलती है कभी। अरे भाई भूत लोगों का कैसा रहता है पता है, सच भी बोलते हैं झूठ भी बोलते हैं, सच भी बोलते हैं झूठ, क्योंकि बोलना सच बोलना, क्योंकि आज तेरा आखिरी दिन है, आज मैं तुझे ऊपर भेज दूंगा। घर में लादी के ऊपर खून कहाँ से आ रहा था? तेरी माँ ने किया है बेटा। लेकिन खून कैसे आ रहा था? तेरी माँ ने किया है घर में बेटा, यानी भूत इसको कह रहा है बेटा। कोई भी पत्नी अपने पति को बेटा कहेगी? किसी कीमत पे नहीं कहेगी, मगर वो भूत को अब जान रहा है मेरा अंत आ गया है, इसलिए वो भूत कह रहा है कि बेटा कितनी उम्र होगी तेरी, मरे तुझे कितना साल हो गया? मेरे को 30-35 साल हो गया, मैं जवान हूँ। 35 साल पहले ये मर चुका है, और उस समय 20-22 साल का रहा ही होगा, अपनी हरकत भी बता ही दिया है, तो इसलिए इस उम्र से लगभग 45 से 50 साल तो वो बेटा बोल सकता है। चलो और कुछ काम की बात कर लो। हाँ कर रहे का ना, मेरे को बताने का सब बता, क्योंकि हाँ। इसका तकलीफ हो गया ना, बेचारी इतना रोती थी, काम पे जाता था कि नहीं बोलता था, घर में मत रह, घर खाली कर, हाँ। ये मेरा घर है, हाँ। या इसे क्यों? अरे बाबा ये सब तुम्हारी माँ ने खेल किया है, जो प्लान करेगी भूतों से जो बोलेगी ऐसा बोल वैसा बोल, हाँ। वही बोलेगा, मैं क्या थोड़ी ना अलग बोलेगा भाई, हाँ? वो तेरा घर है क्या? नहीं फिर लेकिन किसका वो नहीं भाई, मेरा कोई घर नहीं, हा? मेरा कोई घर नहीं। अच्छा फिर हाँ। तो आपको बोलते तो वो सब झूठे मतलब? अरे बोल रहे, फिर से बोल रहा है, कितना पागल लेड़ा है क्या? अरे भूत ने वो लोग ने बोला ऐसा बोला करके, हम लोग थाने से मुंबई मुंबई से ये वीडियो बन रहा है, नेट पे जाएगा, पता है आप लोगों को ना। चल इसका बाल दो जरा सा, रुको ना बाबा मेरे को और थोड़ा बताने का, रुको रुको ना बाबा, इतना टाइम नहीं है तुम्हें को, ठीक है? इतना टाइम नहीं, इसको माँ का सब, अब चुप, इसको पकड़, इसको माँ को सबक सिखाना, सुनो इसका माँ है ना, इसका माँ और कभी भी किया था मेरे को ना एक बार खाने में किया था, तभी भी डाला था पेट में, मगर ना इसकी माँ ने जाके वो गांव में जाके ना निकाल के आई, तभी थोड़ा निकला था, तभी पेट में ही था तभी थोड़ा। इधर देख, इधर दिखा, चल भाग जा चिता पे तुरंत, छोड़ छोड़ दे भाई, इसको मत पकड़ना गधे, भाग चिता पे तुरंत, यही होता है। पता नहीं वीडियो कभी देखा नहीं होगा, डी एंड करने का मतलब ये, तुमको बुलाया आगे?
किधर से आया? इधर हिंदी आता है आपको? हाँ बाबा। कहाँ से आए हो? मैं थाने से आई हूँ बाबा। क्या हुआ था, कुछ याद है आपको? याद है ना। तू चिता पे जा, मैं इससे बात कर रहा हूँ। गधे भाग चिता पे, तुरंत भाग। तुम कहाँ से आया था? सूरजपुर। सूरजपुर भटगांव। सूरजपुर से आया था और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं, वीडियो बनेगा नेट पे जरूर डालेंगे। अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हो। तो लोग कहते हैं नहीं हाजिर हो जाए, पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, टोनाइन टाइन जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए। तो हाजिर हो जाता है, नाम खुल जाता है, तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूँ, या तो वीडियो बनाना बंद कर दूँ, या तो फिर वीडियो बनाऊं तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दूं। तो क्या करना चाहिए, वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें? नाम को डीप कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है। वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें, यानी आपस में लड़ाई ना हो, है ना। और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम दो चार बार बोलते रहते हैं। तो आप लोग सब वीडियो ही देख के यहाँ आए? कहाँ से आप आ रहे हैं? लालगंज से। उल्टी में क्या निकला? जड़ी बूटी खाई है? हाँ। तो उल्टी से निकलना है, दो रास्ते होते हैं उल्टी में, या तो उल्टी से निकलेगा या लैटरिन से निकलेगा। जड़ी बूटी पूरी खा ली? हाँ। क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला, ये कहना आपत्ति है। निकलना तय है, जो पंडित जी बोलते हैं वो निकलना तय है, लैटरिन के थ्रू निकलेगा, आप देख सकती हो तो देखो, ठीक है। और नंबर लोग इस्तेमाल करते हैं नेट वाला, तुरंत अता पता लोकेशन, पूरे वीडियो में पूरी जानकारी है। अब वो कहते हैं हम अनपढ़ हैं, अरे भाई आपके जिला में गाँव में जो भी व्यक्ति पढ़ा लिखा कोई तो होगा, उससे आप पूरी जानकारी निकलवा लो। दिन रात हम लोगों को फोन करके परेशान करते हैं, ये गलत है। गलत है या नहीं है जनता बताओ? हमने सब डाल दिया है, कोई भी चीज बाकी नहीं है, लोकेशन टाइम टेबल सब है। तो आप लोग पूरी वीडियो देख के पूरा अता पता निकाल दें, एक दूसरे को खाली नंबर ना दें, उनको बोलो वीडियो देखो, समझ में आए तब आना। और हम किसी भी व्यक्ति को गारंटी भी नहीं देते। नेट पे लिखा है ना 100 में 95 ठीक होते हैं, 5 नहीं होते, मगर मैं गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूं। कितने जो गारंटी मांगते हैं तो उनको मैं फोन ही पे डिलीट कर देता हूं, तू जा भाई मेरे पास मत आना, मेरी खुद की कोई गारंटी नहीं, मैं तुम्हें कहां से दूंगा। तो गारंटी वाले बाबा इस समय नेट पे दुनिया में बहुत से हैं, वहां जाओ, मेरे कोई गारंटी नहीं। जिसके समझ में आए काम कराओ अपनी मर्जी से, टोकन पे भी लिखा हुआ अपनी मर्जी से, आप जो भी करा रहे हैं अपनी मर्जी से, मेरा कोई इसमें नहीं है कि नहीं आपको कराना ही है, डरवाने धमकाने का कोई काम है या नहीं है, आपकी मर्जी हो कराओ, नहीं मर्जी हो घर जाओ। यहाँ चेक कराते हैं 100 रुपया लगता है, सही बोल रहा हूँ? कितना लगा आप लोगों का? 100 रुपया। ऑनलाइन चेक कराओगे उस पे लगेगा 1000 रुपया, और एक भूत मारने के उस पे लगेंगे 500, यहाँ 300 है उस पे 500 है। इसलिए इतना ज्यादा रखा है कि लोग हाथ पे दही जमाने लगे, जरूरत से ज्यादा तो उनको मैं यहाँ बुलाता हूँ, 900 बचाओ यहाँ आ जाओ। जो बहुत परेशान है नहीं आ सकते नहीं चल सकते उनके लिए ऑनलाइन है। और कितने बेवकूफ कहते हैं हो जाएगा, हो जाता है, इस पे भी आपत्ति है। मैं आज से नहीं 15 साल हो गया करते करते, पूरी दुनिया का कर रहा हूं, तो हो रहा है तभी तो कर रहा हूं, मैं तो कभी इंडिया छोड़ के गए ही नहीं हूं। तो होता है, अगर ये कहें कि हो जाता है हो जाएगा तो उनको पहले मैं बोलता हूं नहीं करूंगा, अब यहां आओ। और यहां पर भी ज्यादा वो परेशान करेंगे तो उनको सदा के लिए डिलीट मार देता हूं, जा भाई मेरे क्या मत आना, तू मेरे क्या आके भी तू ठीक नहीं होगा, तेरा पैसा बर्बाद होगा। कभी किसी को हमने डिलीट मार दिया, गलती पे गलती बहुत किया और डिलीट मार दिया, तो वो सदा यहाँ नहीं ठीक होगा। अब हम पृथ्वी की बात नहीं करेंगे, यहाँ नहीं ठीक होगा। अब वो सोचे कि हम चोरी से जाके करा ले तो पैसा वो अपना फूक के यहाँ चला जाएगा, यानी उसको बेनिफिट नहीं मिलेगी, पैसा उसका फालतू होगा। तो बताना चाह रहे हैं जो व्यक्ति डिलीट हो गया वो कभी यहाँ ना आए, कैसा रहा? और आप लोगों का कोई सुझाव? डीप वाला ठीक है, वीडियो बनना चाहिए, चलो ठीक है। जो भी आए डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाओ, वो चलेगा। नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा, और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा।
उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी, आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है नहीं भी होता है। आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ, हाजिर होगा वीडियो बनाएंगे, जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई रात को, वहाँ आप लोग भूखते हो, अगर मौत हो जाए, छीनना झपटी हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो गए। नेट पे मेरा लिखा हुआ है, दो दिन गुरुवार और रविवार, रविवार दो दिन, 9 बजे खुला है, आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। एक भूत मारने का खर्च, विदेशियों के लिए भर्तियन पैसा 2,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज घर बैठे मरवाने पर, और बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज, जड़ी बूटी की एक खुरक की कीमत विदेशियों के लिए 1,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज, बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। नोट, इंडिया में आकर कम पैसा में भूतों से मुक्ति पाइए, वा भरत सरकार को लाभ पहुंचेनिए, यहां आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं। बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार, टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक, 2 बजे के बाद टोकन ही मिलेगा। वीडियो कॉल से भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1,000 रुपये और विदेशियों में मरीजों के लिए 10,000 रुपये एडवांस में जमा करना होगा, और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा, इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा, दोनों में कोई भी कर सकता है, इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट, 100 व्यक्ति में से 95 व्यक्ति यू को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी व्यक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।